वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एक्सपर्ट जी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जियो ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जियो सिक्योरिटी, उसके बारे में। तो ये ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है, इसमें एंटीवायरस है, ऐप प्राइवेसी है, आपके मोबाइल अगर घूम जाता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हो ये ऐप यूज़ करके, और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। ये जो टाइप किया है इन्होंने नॉर्टन सिक्योरिटी के साथ किया है। तो एक एक फीचर मैं आपको बताता हूँ। इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन्हें सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके डिवाइस को अभी सेटअप कर रहा है। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। अभी देखो दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर हैं। एंटी मालवेयर है, प्राइवेसी, वाईफाई सिक्योरिटी, एंटी थेफ्ट है सबसे बढ़िया इनका मुझे फीचर लगा है, वेब प्रोटेक्शन और सिस्टम एडवाइजर, ये सारे इनके फीचर्स हैं। तो अभी हम एंटी थेफ्ट वाला फीचर देख लेते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए और हाँ सेटअप पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सेटअप कीजिए और अभी एक्टिवेट फॉर दिस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लीजिए और अलाउ कर दीजिए। अब एंटी थेफ्ट आपको किस किस चीज़ के लिए चाहिए, तो इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन है। एसएमएस कमांड, यानी आपको मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो आप उसको एसएमएस भेज सकते हो दूसरे डिवाइस से। तो इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अलाउ, और यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका पिन है जो आप यूज़ कर सकते हो एसएमएस सेंड करने के लिए। उसके बाद सिम कार्ड लॉग है, अगर आपकी डिवाइस से आपका ये जो रजिस्टर नंबर है वो अगर कोई निकाल लेता है उसका सिम, तो आपका जो डिवाइस है वो लॉक हो जाएगा और वो खुलेगा नहीं नए सिम के साथ। तो ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। और सिक्योरिटी वाइप, ये ऑप्शन मुझे सबसे बढ़िया लगा है। ये फीचर मिलते हैं हमें एप्पल के डिवाइस में, अगर 10 बार आप रॉन्ग पैटर्न डालते हो तो आपका जो डिवाइस है उसमें का पूरा डेटा उड़ जाएगा। तो आप इसको ऑन कर सकते हो। पर मेरा एक सजेशन है, अगर मल्टीपल लोग आपको फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके भाई वगैरह, तो ये फीचर ऑफ रखिए। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो अगर 10 बार पैटर्न रॉन्ग होता है तो आपका पूरा डेटा उड़ जाएगा, ये उसमें प्रॉब्लम है। तो अभी एंटी थेफ्ट का तो हमने सेटअप कर चुके हैं, वेब प्रोटेक्शन का भी कर लेते हैं। तो अब ये 2 ब्राउज़र के लिए करेगा। अगर हम इसे सेटअप रिक्वायर्ड कर देंगे और टर्न ऑफ कर देंगे तो ये उसके लिए एक्सेसिबिलिटी मांगेगा। तो यहाँ से आप उसे एक्सेसिबिलिटी दे सकते हो। यहाँ पे प्राइवेसी, एंटी मालवेयर ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई अनवांटेड ऐप आपके इसमें जो आपका डेटा स्टील कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपको दिखा देगा, जैसे कि ऐप बैकग्राउंड डेटा वगैरह खाता है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा ऐप सेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सिक्योरिटी वाइप जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये एक है गूगल प्ले, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे इसका सेटअप करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल भी देता है। स्कैन सिस्टम ऐप्स ऑन, तो ये चेक करेगा कोई वायरस वगैरह है, कोई मालवेयर है आपके ऐप में। इसमें और एक है, आपका एसडी कार्ड भी अभी क्या स्कैन कर सकता है, अलाउ कर दीजिए। अगर इसमें कुछ इन्फेक्टेड फाइल है वो भी स्कैन होगी। रैंसमवेयर, इसका भी सेटअप कर लीजिए। रैंसमवेयर एक वायरस का टाइप है जो क्या करता है, आपकी जितने फाइल है वो इंस्क्रिप्ट करता है, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते हो। और आपको अगर फाइल एक्सेस करना है तो कोई एक कम्युनिटी होंगी जो वायरस आपके डिवाइस में डालेंगे, आपसे कुछ पैसे लेंगे और उसके बदले में आपको आपकी जो इंस्क्रिप्ट फाइल है उसे डिस्क्रिप्ट करके दे देंगे। ठीक है, तो ये था सर, ये था नया जियो का ऐप। आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।